जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं टीम श्रीराम एकेडमी के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हुए तथा आप सभी विद्यार्थियों को थैंक्स देने के साथ करूंगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा कि हमारे YouTube चैनल पे हमने एक वीडियो के जरिए अनाउंस किया था कि श्रीराम एकेडमी एक कैंप जो 25 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था और अभी कंटिन्यू चल रहा है जो 10 जनवरी 2021 तक चलेगा। ये कैंप स्पेशली देवभूमि द्वारका में जो रैली भर्ती ARO जामनगर के लिए सौराष्ट्र के बच्चों के लिए होने वाली है उनके लिए हमने ये कैंप रखा है और ये मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये कैंप बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। अभी तक 500 विद्यार्थियों ने इस कैंप को ज्वाइन करके उन्होंने अपने छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉइंट रिलेटेड हो, वो सभी पॉइंट उन बच्चों ने जाने हैं जो भर्ती स्थल पे जाने से पहले वो उन पॉइंट्स की जितने भी कमियां हैं उनको दूर कर सकेंगे तथा भर्ती स्थल पर अपने आप को रिजेक्ट होने से बचा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी तक इस कैंप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो आने वाले 4 दिनों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़कर इस कैंप का लाभ उठाएं तथा आप भी उन छोटे छोटे पॉइंट जिनकी वजह से भर्ती स्थल पर रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनका पता नहीं होता है, उन सभी की जानकारी लेकर और भर्ती के अभी 20 से 25 दिन का टाइम है, इस टाइम में आप सभी लोग उन पॉइंट्स को पहले से ही कवर कर सकते हैं और अपने रिजेक्शन को रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSC, कांस्टेबल, GPSC एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन।